आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में। लेके आए हैं दो बहुत अच्छी खबरें फ्यूचर ग्रुप के बारे में और आने वाले समय में ये और भी ज्यादा अच्छी खबरें बनेंगी। सबसे पहली खबर बताते हैं जो फ्यूचर रिटेल की स्पेसिफिक न्यूज है बिग बाजार की। अभी देश के हर स्टेट में बिग बाजार का स्टोर नहीं है, पर बिग बाजार का बड़ा प्लान है कि हर स्टेट में उनको अपना एक स्टोर खोलना है ताकि ऑल इंडिया पैन अमेरिका जो प्रेजेंस है पैन इंडिया जो प्रेजेंस है उनकी वो पूरा सक्सेसफुल कर सके। तो ये उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि ऑल इंडिया प्रेजेंस चाहते हैं। इसके चलते हुए उन्होंने प्लान किया है कि आने वाले दो क्वार्टर्स में 300 स्टोर को क्रॉस कर देंगे। इससे उनको करीब करीब एक्सपेक्टेशन यह है कि 10% का उनका रेवेन्यू ग्रोथ होगा। अब देखिए आप समझिए, ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ स्टोर से नहीं आती है, उनको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करना है, स्ट्रेटेजिक सेल्स दिखानी है। सिर्फ ब्रिक एंड मोटर से आगे काम नहीं चलेगा, इसीलिए जो रिलायंस के साथ उन्होंने जियो पार्टनरशिप की है वो उसकी ग्रोथ में और चार चांद लगाएगी। यहां से आने वाले समय में सिर्फ फिजिकल स्टोर नहीं बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग भी उनको सेल्स का वेन्यू प्रोवाइड करेगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है दोनों कंपनीज के लिए। कोविड का इम्पैक्ट फ्यूचर रिटेल पर बहुत बड़ा पड़ा है क्योंकि लोग बागों ने शॉपिंग करना बंद कर दिया है, वहां नहीं जा रहे थे, इसकी वजह से वाइट गुड्स की शॉपिंग भी कम हो गई है। और सीजन अभी देखिए मैरिज सीजन भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी अगर बाजार में जाते हैं तो ऑलमोस्ट किसी भी आप शॉप में जाएंगे तो वहां पर एम्प्लॉयज की संख्या ज्यादा है बल्कि कस्टमर की। हम वीकेंड पर ही भी गए थे और हमने जो 3-4 स्टोर जाकर देखे वहां पर पीपल जो शॉपर्स हैं वो कम है, एम्प्लॉयज ज्यादा हैं स्टोर्स में। चाहे आप गोल्ड की शॉप पे जाएं, चाहे आप क्लोथ गारमेंट की शॉप पे जाएं, तो सब जगह यही हाल चल रहा है। अभी बहुत ढीला मार्केट हो गया है थोड़ा सा फिलहाल शादी के बाद से, जब शादी का सीजन खत्म हो गया है। अब देखें अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या खबर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो सेकंड की इन्फॉर्मेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज की रूमर चल रही थी कि मुकेश अंबानी जी की तबीयत बहुत ढीली चल रही है, पर उन्होंने क्लियर कट इसका सिंपल आंसर दिखाया है। उन्होंने अपने ग्रैंड सन के साथ फोटो को पोस्ट किया है तो क्लियर इंडिकेशन है कि मैं बहुत हेल्दी हूं और साथ ही साथ में हमारे घर में बहुत बड़ी खबर भी आई है। तो इस सब के चलते हुए मार्केट को पॉजिटिव मोमेंटम आगे मिलेगा। अगर जब इसका भाव को देखें, देखिए दोस्तों एक चीज आपको बताएंगे, फॉर सम रीजन वी आर नॉट वेरी श्योर क्या है, बट फ्यूचर मार्केट नेटवर्क की बहुत तेजी से ग्रोथ चल रही है। अगर आप फ्यूचर मार्केट नेटवर्क शेयर आपने खरीदा हुआ है तो देखिए इसका लो जो बना था वो 13 रुपए का बना था और ऑलरेडी चुपके से ही चलते चलते इसने 20 का लेवल क्रॉस कर दिया है दोस्तों। और ये क्लियर इंडिकेशन इसलिए कह रहा है क्योंकि फ्यूचर मार्केट नेटवर्क की फ्री फ्लोट सबसे कम है, तो जो आने वाले समय में लोग बाग फ्यूचर मार्केट नेटवर्क को नहीं बेच रहे थे उन्होंने और इनफैक्ट बेचना बंद कर दिया और यहां पर खरीद रहे हैं। वन ऑफ अवर कस्टमर हैज स्पेसिफिकली कम विद दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो और हम लोगों ने उनको स्विच नहीं कराया था बिकॉज वी नो कि किसी भी कंपनी में रहेंगे एट द एंड ऑफ द डे 6 की 6 कंपनी का रेशो सेम रहेगा और उन्होंने इसके अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया है फ्यूचर मार्केट नेटवर्क के साथ में। ही इज वन ऑफ अवर पेड कस्टमर। अभी हमने इनको सेल ऑफ करने के लिए नहीं बुलाया क्योंकि हमारा टारगेट नहीं आया है, वी आर स्टिल होल्डिंग अवर पोजिशन एज इज एज वी हैव बीन टेलिंग यू फ्रॉम डे वन। सीसीआई का अप्रूवल आ चुका है, आने वाले समय में बहुत जल्दी हमारी उम्मीद है कि क्रिसमस से पहले दिल्ली हाई कोर्ट का अप्रूवल भी आ जाएगा और साथ ही साथ में सेबी का प्रोसेस भी चल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। हम शुरू से इस डील में बुलिश हैं और साथ ही साथ में हमारी पोजीशन है कि वी आर होल्डिंग अवर फ्यूचर रिटेल स्टॉक एट द एवरेज प्राइस ऑफ 97। देखिए फ्यूचर प्रमोटर ग्रुप के साथ में जो प्रॉब्लम यह है कि फ्यूचर कूपन और अमेजन के साथ में जो डील पैक्ट हुई है उसमें अमेजन फ्यूचर रिटेल को घसीट रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है हमारे एक्सपेक्टेड प्राइस में जाने के लिए। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। और अगर देखें आपको दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन की उम्मीद, हमारे हिसाब से जो ट्रेडिंग सर्कल में इन्फॉर्मेशन चल रही है कि क्रिसमस तक ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक बटन दबाना और फ्यूचर रिटेल का टारगेट 170 का है, February 28, 2021 से पहले ये टारगेट आ जाना चाहिए हमारे हिसाब से। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्टिव इंट्राडे ट्रेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं 8,000 रुपीज पर मंथ के चार्जेस पर, चाहे तो मेल ड्रॉप कर सकते हैं। आपके लिए 4 वीडियो प्रस्तुत हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।